ओके, मोशन इन 1D के पीछे जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले 3 लेक्चर्स में, पहले 3 4 लेक्चर्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस पे सपोज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप dx बाय dt से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सही बात है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप dv बाय dt से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बातें अपनी पहले 2 4 लेक्चर में हो चुकी थी और कुछ डेरिवेटिव के बेस्ड पे क्वेश्चन कुछ किए थे अपन ने। अभी आज और कल के 2 लेक्चर्स में क्या करेंगे, डेरिवेशन डेरिवेटिव्स के बेस्ड पे भी क्वेश्चंस करेंगे और इंटीग्रेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, दोनों के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। उसकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए और उसके बेसिस पे एक डीपीपी भी आज या कल, अब आज तो एक डीपीपी मैंने भेज दिया, कल एक डीपीपी में भेज दूंगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन करने हैं। अज्यूमिंग कि आपको डेरिवेटिव का बेसिक आइडिया ऑलरेडी है, डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले जो हम बार बार यूज करते हैं, जैसे डेरिवेटिव के कौन से फॉर्मूले हैं। आई नीड सम वॉलंटियर फ्रॉम यू, कोई बात करेगा? आदिति या फिर अभिजीत, और समबडी रेज योर हैंड। ओके, समबडी रेज योर, आदिति, कोई तो बात करो यार, ऐश्वर्या, आका, अक्षरा, अक्षय, समबडी रेज योर हैंड। अच्छा, पीयूष बात करेगा, चलो पीयूष एंड प्रार्थना एंड सृष्टि एंड प्रदीप। हाँ, मुझे ये बताओ डेरिवेटिव के फॉर्मूले में तुमको पूछूंगा, वो फॉर्मूले मुझे बताओ। ठीक है, अज्यूमिंग तुमको फॉर्मूले पता है। ठीक है, यस ओके, चलो मुझे बताओ, अगर एक्स पावर एन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? एक्स पावर एन का डेरिवेटिव? एन इनटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ओके, वेरी गुड, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा? कॉस एक्स पावर एक्स वेरी गुड। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा? माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है? e पावर एक्स नाइस। अब मुझे बताओ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? वन बाय एक्स 1/x। और टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये हो गया डेरिवेटिव का। अब मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पूछ रहा हूं, तो इंटीग्रेशन के भी बताओ। ठीक है, ये y और इंटीग्रेशन y dx। तो मुझे बताओ सबसे पहले x पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। नाइस, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। मुझे बताओ साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स। नाइस, कॉस x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन x प्लस आएगा। मैक्सिमम टाइम्स गलतियां ये प्लस माइनस में होती है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में, ये वाले हैं साइन एक्स कॉस एक्स के मामले में। अच्छा, ई पावर एक्स का, कांस्टेंट ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, e पावर एक्स ई पावर एक्स और वन सर प्लस बाय सी आएगा ना, ई पावर एक्स के इंटीग्रेशन में प्लस। अच्छा, वो प्लस सी जो तुम बोल रहे प्लस सी कांस्टेंट प्लस अगर करना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो, यस इंड अगर डेफिनेट है तो नहीं, इनडेफिनेट है तो आएगा, बराबर है। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, हाँ लॉग एक्स प्लस सी, हाँ ln x नेचुरल लॉग है वो, लॉग टू द पावर ई। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों की प्रोसेस क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, राइट ना। इसीलिए ना इंटीग्रेशन को पहले एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता था, एंटी डेरिवेटिव, लेकिन फिर बाद में फिर लोगों ने उसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बोलना शुरू किया, क्योंकि रियलाइज हुआ कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी नहीं है इंटीग्रेशन की, डेरिवेटिव के अपोजिट होना, इंटीग्रेशन की और भी प्रॉपर्टी है। अच्छा, मुझे आप में से कोई बताएगा कि फिजिकल मीनिंग क्या है डेरिवेटिव का?
और इंटीग्रेशन का, दोनों का? सर डेरिवेटिव मीन्स स्लोप एंड इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन, पूरा एरिया का एडिशन। जब तुम बोले कि डेरिवेटिव मतलब स्लोप, तो स्लोप का मतलब जब आप बोल रहे थे ना किसी के, एक सेकेंड ना, किसी के माइक से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, तो वो बैकग्राउंड नॉइज को मानस के हिस्से आ रहा है शायद। हाँ अच्छा, मैं ये बोल रहा था डेरिवेटिव का जो बात कर रहा था ना मैं, डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मतलब रियल लाइफ मीनिंग क्या है? जब तुम स्लोप बोले तो वो ग्राफिकल मीनिंग हो गया, तो डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग, फिजिकल, हाँ करेक्ट, फिजिकल मीनिंग क्या है डेरिवेटिव का, कि डेरिवेटिव निकालना मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज। वैसे ही मुझे बताओ इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन का फिजिकल स्मॉल क्वांटिटीज को, स्मॉल क्वांटिटीज को क्या करना? हाँ स्मॉल क्वांटिटीज को ऐड करना, एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ समथिंग। हानि इज सेइंग कि सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। बेटा आवाज तो क्लियर आनी चाहिए, माइक तो एकदम सही है यहां से। रुको मैं सबको म्यूट करता हूं और फिर सिर्फ ऐश्वर्या को अनम्यूट करता हूं, ओनली वन पर्सन। अच्छा ऐश्वर्या को अनम्यूट कर दिया मैंने, और अभिजीत को किया, ठीक है दोनों को किया बस। हाँ तुम फिजिकल मीनिंग क्या बोल रहे थे भाई? सर इंटीग्रेशन का एरिया अंडर द कर्व भी होता है, वो ग्राफ में हो गया, वो ग्राफिकल मीनिंग हो गया, ठीक है। फिजिकल मीनिंग ये होगा इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन इज समेशन ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ समथिंग, समेशन, समेशन ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ समथिंग। अब समथिंग मतलब किस चीज का? स्मॉल क्वांटिटी। हाँ स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन किसकी, किस चीज की स्मॉल क्वांटिटी, किस चीज की स्मॉल क्वांटिटी? किसी भी चीज की हो सकती है भाई, जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है उसकी स्मॉल क्वांटिटी। देखो अगर तुमको मास कैलकुलेट करना है तो मास की स्मॉल क्वांटिटी, इंटीग्रेशन dm, तो तुमको टोटल मास मिलेगा। तुमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ds, डिस्प्लेसमेंट की स्मॉल क्वांटिटी, उसका समेशन करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, है कि नहीं। अगर तुमको लेट अस से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इंटीग्रेशन ऑफ du, इंटीग्रेशन ऑफ du क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी u। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग, दैट समथिंग कैन बी एनीथिंग, दैट समथिंग कैन बी मास, दैट समथिंग कैन बी डिस्प्लेसमेंट, दैट समथिंग कैन बी पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी चीज, फॉर एग्जाम्पल एरिया भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है। स्मॉल एरिया अगर आपने कंसिडर किया और उसका इंटीग्रेशन किया तो आपको पूरा एरिया मिलेगा, ठीक है। जहीर बोल रहा है कि सर आप थोड़े से छोटे हो जाओ, पीछे का नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया मैं थोड़ा सा छोटा। और अच्छा मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। वैसे तो सर ने आपको ऑलरेडी बताया होगा कि डेरिवेशन का मीनिंग क्या है और इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। तो डेरिवेटिव का मीनिंग होता है किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना। अब रेट ऑफ चेंज किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कोई चीज टाइम के साथ चेंज हो रही हो। आप रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, क्योंकि प्लेस के साथ भी कोई चीज चेंज हो सकती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करो हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर चेंज होता है, एक पॉइंट पे टेम्परेचर अलग, दूसरे पॉइंट पे टेम्परेचर अलग, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस निकालते है कि नहीं। तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, तुम्हें अगर रेट निकालना है तो उसके रिस्पेक्ट में तुम डेरिवेटिव ले लो। तो ये डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग हो गया। और इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग है कि तुम किसी भी स्मॉल क्वांटिटीज को अगर ऐड करते जाओगे तुमको उसकी टोटल क्वांटिटी मिलेगी, और वो स्मॉल क्वांटिटीज को ऐड करने का प्रोसेस जो होता है उसे को कहा जाता है समेशन, समेशन का मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन और
डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, और ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का मीनिंग हो गया। अब इनका ग्राफिकल मीनिंग भी है, ग्राफिकल मीनिंग भी है इनका। जैसे ग्राफिकल मीनिंग डेरिवेटिव का ये है कि किसी भी चीज का अगर तुम डेरिवेटिव निकालते हो, अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का अगर तुमने ग्राफ निकाला और किसी पॉइंट पे अगर तुमने उसका डेरिवेटिव निकाला, तो डेरिवेटिव निकालने का मीनिंग हो जाएगा उस पॉइंट का वहां पे स्लोप फाइंड करना। स्लोप मतलब टैन थीटा हो जाएगा यहां पे, वही तुम्हारा क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। ये उसका ग्राफिकल मीनिंग होगा, और जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तो ग्राफिकल मीनिंग भी आएगा, ठीक है। सिमिलरली इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या बताया था बेटा आपने, इंटीग्रेशन का, हाँ, एरिया अंडर द कर्व। तो ये वाई, ये एक्स है और ये ऐसे हो गया। तो अगर तुमने एक्स वन से लेके एक्स टू तक अगर वाई का इंटीग्रेशन किया, वाई डी एक्स लिमिट्स पुट करके एक्स वन से लेके एक्स टू तक, तो तुम्हें इसके अंडर जो एरिया है वो एरिया मिलेगा, राइट। तो ये हो गया ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब ग्राफ डिस्कस करेंगे ना तो इसमें जाएंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे इसके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें चाहिए डेरिवेटिव का और इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग, रेट ऑफ चेंज और समेशन ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ समथिंग, एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ समथिंग दैट समथिंग कैन बी एनीथिंग। ये बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि सर ये इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है और इंटीग्रेशन यूज क्यों करते हैं यार। तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं कि कोई चीज स्प्रेड हो चुकी है, कोई चीज फिक्स नहीं है, लिमिटेड नहीं है, या फिर उसकी सिर्फ बाउंड्री पता है हमें, लेकिन वो अंदर उसको कैलकुलेट करने का है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है और मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूँ, और शायद आप में से किसी को ये एग्जांपल ऑलरेडी पता भी होगा शायद, ठीक है। ऐश्वर्या मुझे ये बताओ बेटा, सर्कल का अगर रेडियस आर है तो सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा? वेरी गुड, नाइस। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये तुम्हें किसने बताया? सर ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन से आया है। कैसे, हाउ? सर इंटीग्रेशन ऑफ आर, इंटीग्रेशन ऑफ आर मे बी। नहीं देखो मैं बोलता हूँ आपको, तुमने बात तो सही बोली कि ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन से आया। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने मेरे टीचर को पूछा था तो उन्होंने कहा था कि, मतलब 11th 12th में नहीं, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। अब स्कूल में तो ऐसे क्वेश्चन आने लाजमी है कि यार पाई आर स्क्वायर, तो सर आपको कहाँ से पता चला कि पाई आर स्क्वायर है, 3r स्क्वायर क्यों नहीं, 4r स्क्वायर क्यों नहीं, पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो हाँ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ पेरीमीटर, नहीं पेरीमीटर का इंटीग्रेशन करोगे तो तुमको पेरीमीटर मिलेगी ना, पेरीमीटर मतलब तुमको सर्कल की लेंथ मिल जाएगी, पेरीमीटर का मतलब हो जाएगा सर्कल की लेंथ, वो 2πr होती है। मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, तो तुमको अगर एरिया निकालना है इंटीग्रेशन से तो तुमको एरिया का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dA, तुमको dA का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एरिया का, क्योंकि एरिया का इंटीग्रेशन करके ही तुमको टोटल एरिया मिलेगा। सही बात है कि नहीं, ये बात तो मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ। तो अभी अपने पास फिजिक्स में क्या होता है कि जो भी छोटी सी चीज आपको कैलकुलेट करनी है, जैसे यहां पे मैं एरिया की बात कर रहा हूं, कभी मास कैलकुलेट करना पड़ता है dm, कभी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है ds, कभी चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ता है dv, कभी पोटेंशियल एनर्जी du, काइनेटिक एनर्जी dk, कभी मोमेंटम डीपी, कभी फोर्स डीएफ, तो वो जो जिसको कैलकुलेट करना है तुमको, जैसे डीए को कैलकुलेट करना है तो तुमको डीए का, डीए की वैल्यू चाहिए। अब डीए की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, यहां पे मैं ऐसे निकालूंगा, देखो ऑब्जर्व करो, हाँ प्रोसेस को ऑब्जर्व करो। लेट अस से यहां पे छोटा सा एंगल कवर हो गया डी थीटा, छोटा सा एंगल कवर होगा तो एक सर्कल का एक सेक्टर आएगा ऐसा, दिस इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये जो सर्कल का सेक्टर है, ये डी थीटा एंगल है, तो ये सेक्टर का जो एंगल है, एरिया है सॉरी, ये सेक्टर का एरिया तुम फाइंड कर लो पहले। जैसे अपन पिज्जा को कट करते हैं ना, पिज्जा को जैसे स्लाइसेस में कट करते हैं, तो समझ लो कि ये छोटी सी स्लाइस है पिज्जा की, ये स्लाइस को बाहर निकाल लिया, इस स्लाइस का एरिया कितना होगा?
तो इस स्लाइस का एरिया आएगा, हाँ बेटा पाई, हाँ इस स्लाइस का एरिया बोल रहा हूं मैं, स्लाइस का एरिया बताना है मेरे को, 2πx. नहीं, स्लाइस का एरिया 2πx थोड़ी आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद करो, ना 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 ना, आर इंटू डी थीटा इज द दिस लेंथ, दिस लेंथ जो ब्लू कलर में मैंने दिखाई ना, वो लेंथ है आर इंटू डी थीटा। मैं वो लेंथ की बात नहीं कर रहा, मैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहा हूं। और मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वेयर थीटा, या फिर छोड़ो एरिया ऑफ सेक्टर छोड़ो, तुम एरिया ऑफ सेक्टर में कंफ्यूज हो रहे ना, मैं एरिया ऑफ सेक्टर को साइड में रखता हूं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा, ये जो सेक्टर है ये थोड़ा ट्रायंगल की जैसा दिख रहा है, ऐसे थोड़ा ट्रायंगल के जैसा लग रहा है, इसको तो तुम मना नहीं, इसको तो तुम मना नहीं कर सकते, ये थोड़ा ट्रायंगल के जैसा लग रहा है, एग्री। और ये जो लेंथ है, ये जो ब्लू कलर में मैंने दिखाई, ये लेंथ होगी आर डी थीटा, ये बात सही है क्या मुझे बताओ? तो इसका मतलब ये हाइट कितनी हो गई, आर डी थीटा। अब बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये तो बता सकते हो अभी, चलो बोलो अभी बोलो, हाफ इंटू आर इंटू आर थीटा, वेरी गुड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, हाफ इंटू आर डी थीटा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर, तो मैं वही बोल रहा था, तो इसका एरिया ये है हाफ इंटू आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है, ये सेक्टर का एरिया हो गया। अब इस सेक्टर के एरिया का तुम इंटीग्रेशन करोगे तो तुमको टोटल एरिया मिलेगा, तो ये होगा इंटीग्रेशन हाफ इंटू आर स्क्वायर डी थीटा, तो आर स्क्वायर बाय टू कॉन्स्टेंट है क्योंकि रेडियस कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन डी थीटा, और क्योंकि तुमको पूरे सर्कल का एरिया चाहिए तो पूरे सर्कल का 0 to 2π, तो सिर्फ डी थीटा का इंटीग्रेशन आएगा थीटा, और लिमिट्स आएंगे 0 to 2π। अब लिमिट्स पुट करना तो तुम जानते हो, पहले अपर लिमिट पुट करो 2π, फिर लोअर लिमिट पुट करो 0, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 इंटू 2π, 2 कैंसिल, अब फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऐसे ये फॉर्मूला आता है। मतलब तुमने क्या किया, तुमने यहां पे सर्कल के एरिया को ऐसे छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड किया और सारे छोटे छोटे स्लाइसेस का एरिया तुमने ऐड किया, तो इंटीग्रेशन जब भी करेंगे हम यही प्रोसेस दोहराएंगे, जो भी चीज कैलकुलेट करनी है उसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे, एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट का अपन इंटीग्रेशन करेंगे, समेशन करेंगे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, कंसेप्चुअल लेवल पे सबको समझ में आ गया इंटीग्रेशन का मतलब और इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है। ये मैंने बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल लिया एरिया का, आप वॉल्यूम को भी वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सी चीजें हैं जो इंटीग्रेशन से ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट में टुकड़ों में ऐड करके ऐड फाइंड की जाती है। ओके, तो चलो भाई अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब इसका फिजिक्स में ये देखो, ये एरिया के मैंने बताया, अब इसका मोशन इन 1D में क्या एप्लीकेशन होगा वो मैं बोलता हूं। देखो ध्यान दो इधर, आप इमेजिन करो एक पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, या फिर ये एक्स एक्सिस है, चलो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये पार्टिकल क्या है, एक पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ये ओरिजिन है पार्टिकल, लेट अस से अभी पी पॉइंट से इधर उधर जा रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है, और उसकी हमें वेलोसिटी दी हुई है, ध्यान दो, वेरी केयरफुली ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, उसकी हमें क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी है। अब वेलोसिटी का कोई फंक्शन दिया होगा भाई, ठीक है, वेलोसिटी लेट अस से वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है, हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही हो, चलो इमेजिन करके चलते हैं कि टाइम के साथ बदल रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी है 2t+1 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है, ठीक है, ओके। अब आप मुझे ये बताओ ऐश्वर्या, या फिर कोई और भी बता सकता है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या हर सेकंड में कवर होने वाला डिस्टेंस सेम होगा? विल द डिस्टेंस कवर्ड इन ईच सेकंड सेम? नो, नहीं ना, कवर्ड इन ईच सेकंड
और इंटरवल, कोई भी एक छोटा सा इंटरवल ले लो, इंटरवल डीटी सेम होगा क्या? नहीं, इसका रिसाउंडिंग आंसर आएगा नो, नहीं होगा। तो अगर आप एक छोटा टाइम इंटरवल कंसिडर करते हो, कंसिडर डीटी, तो डीटी में कवर होने वाला जो डिस्टेंस है वो हर डीटी में अलग अलग होगा। तो हर डीटी में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर होगा डीएस बाय डीटी, तो वो डीएस इक्वल टू क्या आएगा, वी डीटी आएगा ना, वो इतना कवर होगा ना, है ना। इंटर कंसिडर डीटी इंटरवल, तो डीटी इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो जाएगा डीएस। अब अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि बताओ इस पार्टिकल ने 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 सेकंड टू 4 सेकंड, तो यार मुझे ये डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, डीएस 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 डीएस, एम आई राइट? सही, हाँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस 0 सेकंड टू 4 सेकंड, और डीएस की वैल्यू क्या होती है, वी डी टी। ये मैंने सही लिखा, ओके। अब वी डी टी की जगह 0 टू 4 सेकंड कर रहे हो ना तुम, वी की वैल्यू पुट करो, तो v की वैल्यू कितनी है भाई, 2t+1 है, यहाँ पे 2t+1 पुट कर दी v की वैल्यू, अब तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 2t का इंटीग्रेशन अलग, 1 का इंटीग्रेशन अलग, इंटीग्रेशन 2t dt प्लस इंटीग्रेशन 1 dt। अच्छा बताओ, 2 तो कांस्टेंट है, t dt का इंटीग्रेशन कितना होता बेटा, t dt का इंटीग्रेशन बताओ, वेरी गुड, t² / 2 प्लस, और 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओनली dt का इंटीग्रेशन, ओनली t, लिमिट्स आएंगे 0 टू 4, क्योंकि 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये 2 और 2 कैंसिल, अपर लिमिट पुट करो 4² लोअर लिमिट 0² इसमें अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0 ये हो जाएगा 16 + 4 20 मीटर, मतलब पहले 4 सेकंड में 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, समझ में आया। तो वेरिएबल वेलोसिटी होगी, तो ऐसे इंटीग्रेशन करके छोटे छोटे डीएस 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 को ऐड करके टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ता है, ऐसे इंटीग्रेशन करना पड़ता है, समझ में आ गया। तो अगर ऐसा मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया तो क्या आप लोग कर पाओगे, अज्यूमिंग कि डेरिवेटिव निकालना बेसिक आपको पता है, कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और इंटीग्रेशन निकालना आपको पता है, डेरिवेटिव सॉरी बेसिक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। yes. और ये बहुत बेसिक सी चीज है, इंटीग्रेशन करना और डेरिवेटिव करना। तो अगर अभी भी आपको दिक्कत है तो टेक माई एडवाइस, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, इसको थोड़ा टाइम दे दो, ये मत बोलो कि सर बायो भी करना है केमिस्ट्री करना है तो फिर मैं ये कब करूँ, और मैथ से सर दिमाग खराब होता है, ऐसा ही बात नहीं, करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिजिक्स के लिए जरूरी है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग करो, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी वी इज इक्वल टू t³ + t² Find displacement covered by it in first 2 seconds. पहले 2 सेकंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये बताओ, और सोल्यूशन निकालने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं ओनली 30 सेकंड्स, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, ओके चलो। श्योर कोई मिस्टेक नहीं, सर 20/3 अच्छा चलो 15 सेकंड बाकी के लोग बताओ, चलो
पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी वी इक्वल टू टी क्यू प्लस टी स्क्वायर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फर्स्ट टू सेकेंड्स. चलो इसका इसका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस करना पड़ेगा. यह आएगा इंटीग्रेशन डी एस इज वी डी टी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी टी इज टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी. तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी पावर 4 अपॉन 4, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, और इसके लिमिट्स आएंगे 0 टू 2. पहले अपर लिमिट पुट करो, 2 पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2 क्यूब बाई 3 माइनस 0 हो जाएगा. ये 2 पावर 4 होता है 2 स्क्वायर का स्क्वायर, 4 16 बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 8 बाई 3 हो जाएगा. बराबर है 20 बाई 3 मीटर. बहुत अच्छे भाई. चलो सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं वन मोर, लेकिन थोड़ा सा अलग. ठीक है, ये वाला, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2t, फाइंड चेंज इन इट्स वेलोसिटी इन फर्स्ट 6 seconds. Also find the displacement covered in 6 seconds. चलो ये क्वेश्चन करो, दो चीजें पूछी है, वेलोसिटी में चेंज कितना होगा 6 सेकेंड में, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा 6 सेकेंड में. डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, वेलोसिटी भी पूछा है, और इसका आंसर मुझे आप लोग बताओ 1 मिनट में. इसका आंसर बताओ भाई. भाई बहुत फास्ट आंसर आ गया सचिन. सचिन ने दिया ना, वेलोसिटी 36 एंड डिस्प्लेसमेंट 72. सर वेलोसिटी 36 एंड डिस्प्लेसमेंट 72. तुमने काइनेमेटिक इक्वेशन तो नहीं यूज किया? काइनेमेटिक इक्वेशन तो नहीं यूज किया तुमने फास्ट आंसर निकालने के लिए? नहीं, काइनेमेटिक इक्वेशन यहां पे यूज करने की गलती मत करो, हाँ वो मिस्टेक हो जाएगी काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना. पीयूष का भी वो आंसर है, अथर्व का भी वो आंसर है. श्रीनिवास एंड प्रणव आर ऑल्सो आंसरिंग द सेम थिंग. ओके चलो 20 सेकेंड बाकी भाई. ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब जीरो वेलोसिटी शुरू, ये एक्सेलरेशन है. अगर आप एक्सेलरेशन को देखते हो तो एक्सेलरेशन भाई वेरिएबल है. वेरिएबल का मतलब कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन. यहां पे अगर तुम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करने की गलती करोगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी. कुछ लोग क्या करते हैं, अरे वाह बहुत आसान क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू दे दिया 0 और a दे दिया 2t, चलो a को 2t पुट करते, गलत हो जाएगा. ऐसे नहीं करने का, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करने का. क्योंकि काइनेमेटिक की इक्वेशन एप्लीकेबल तभी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है. तो तुम कैसे निकालोगे, अपने को पता है एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डीटी. तो डीवी इज द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी. तुमको टोटल चेंज अगर निकालने का है तो तुमको डीवी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. टोटल चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालने का है तो डीवी की वैल्यू क्या आएगी, ये डीटी को इधर भेज दो, इंटीग्रेशन ए डीटी, तो ये जगह इंटीग्रेशन ए की वैल्यू कितनी है, 2t dt, 2 कांस्टेंट, टी का इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स आएंगे 2 कैंसिल हो जाएगा. लिमिट्स कहां से कहां तक है भाई, पहले 6 सेकंड में बोला है, तो 0 टू 6, तो 6 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 36 मीटर पर सेकंड, तो ये आएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी.
अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ओके, ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अभी जो वेलोसिटी का इक्वेशन तुम्हारे पास आया था, ये वेलोसिटी का इक्वेशन इंटीग्रेशन करने के बाद, ये एक्चुअली टोटल चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब v माइनस यू है। अब u तो जीरो दिया, मतलब v माइनस यू इक्वल टू क्या आया था तुम्हारा, इंटीग्रेशन 2t dt आया था। तो इंटीग्रेशन 2t dt मतलब 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसल टी स्क्वायर, और u की वैल्यू जीरो है, तो v इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वेशन आया ना, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेगा, s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज t स्क्वायर dt, t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, लिमिट्स आएंगे 0 टू 6, ये हो जाएगा 6 क्यूब बाई 3, और 6 का क्यूब होता है 36 इंटू 6 बाई 3, बराबर है यार, ये भी 72 मीटर आएगा। सही आंसर दिया तुम लोगों ने, एकदम पक्का बराबर है। पीयूष इज सेइंग सर चैलेंज नहीं लग रहा, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चंस दो, चैलेंज नहीं नालायक, ठीक है चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा सा क्वेश्चन सोचने दो मेरे को भाई। अच्छा एक और पॉइंट है, ये बहुत कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट पहले मैं आपको बोल देता हूँ और फिर थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूँ। एक्सेलरेशन को आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कैसे, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा। देखो एक्सेलरेशन तो होता है डीवी बाई डीटी, सही बात है, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डीटी। इसको तुम मल्टीप्लाई करो डीएक्स अपॉन डीएक्स, मल्टीप्लाई इट बाय डीएक्स बाय डीएक्स, तो डीएक्स बाय डीएक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या करो, ये वाले डीवी को डीएक्स दे दो और ये वाले डीटी को डीएक्स दे दो, तो ये हो जाएगा डीवी अपॉन डीएक्स। एक डीएक्स डीवी को दे दिया, ये डी ऊपर वाले डीएक्स के नीचे डीटी आ गया। नाउ व्हाट इज डीएक्स बाय डीटी, डीएक्स बाय डीटी हो जाएगा वी, हो जाएगा वी इंटू डीवी बाय डीएक्स, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का। तो कभी कभी अगर वेलोसिटी एक्स के टर्म्स में दे दी तो उसके बेसिस पे भी एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दो इस एग्जांपल पे और इसको नोट कर लो भाई, ये फॉर्मूले को a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये काफी यूज होगा आगे जाके। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अब इक्वेशन ऐसा दिया है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी x के हिसाब से चेंज हो रही है भाई, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करो x के टर्म्स में। चलो फाइंड करो, इसके लिए मैं दे रहा हूं 30 सेकेंड, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी है, ठीक है चलो। हाँ बेटा, टू इन ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, आर यू श्योर अबाउट दिस, फिर से ट्राई कर बेटा, श्योर है क्या तू, फिर से ट्राई कर, ये वाला इक्वेशन यूज करना है। 2x into in bracket x square plus x। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने कुछ गड़बड़ी कर दी? सर 2x cube plus 3x square plus x। हाँ ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। देखो acceleration क्या है, v into dv by dx ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये वाला, ये
इसको यूज करने का है। सबसे पहले तो तुम डीवी बाई डी एक्स फाइंड कर लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और x का डेरिवेटिव आएगा 1, ये डीवी बाई डी एक्स आ गया। इसको तुमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन आएगा v इंटू डीवी बाई डी एक्स, तो v की वैल्यू तो x स्क्वायर प्लस एक्स है और इंटू डीवी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चार टर्म्स आएंगे। पहले 2x से मल्टीप्लाई कर लो, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस x, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, इन दोनों का एडिशन 3x स्क्वायर प्लस x, ये एक्सेलरेशन आएगा। समझे कि भाई? तो कुछ लोगों ने जो पहले आंसर दिया था उसमें मिस्टेक थी, तो आप आई होप कि आपको मिस्टेक भी समझ में आ गई होगी। तो इसके बेसिस पे भी काफी क्वेश्चंस आते और वो भी हमें करने हैं। यस आदिति, यू वांट टू से समथिंग बेटा, बोलो। सर हम एक एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया? अगर तुम डायरेक्टली डेरिवेटिव लेते तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा कहने का मतलब ये कि टाइम के साथ डेरिवेटिव लेने का, ये तुम्हारा कहने का मतलब है डीवी बाई डी टी ना, लेकिन ये टी के टर्म्स में नहीं है ना बेटा, ये एक्स के टर्म्स में है ना, है कि नहीं? तो टी के टर्म्स में निकालने जाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए एक्स के टर्म्स में ही निकालना पड़ा, तो ये चीज पे ध्यान देना पड़ता है। ओके चलो भाई, 11 बज गए, तो अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर है, तो आज यहीं पे रुकेंगे, इसका रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों को, और इमीडिएटली लेक्चर के बाद ये फिजिक्स फोरम नोट्स टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा अभी। तो आज यहीं पे रुकेंगे, स्टे सेफ एंड स्टे इंडोर एवरीबॉडी, ओके।